भूलकर भी ना करे शनिवार के दिन ये काम वरना पछताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। मैं हूँ देश मंगल। शनिवार की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरव और शनि का दिन है। समस्त दुखों एवं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन उपवास करना चाहिए। शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले प्रभु हैं। कहते हैं कि जिसका शनि अच्छा होता है वह राजपद या राज सुख पाता है। तो आओ जानते हैं कि शनिवार के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। शनिवार को शराब पीना सबसे घातक माना गया है। इससे आपके अच्छे भले जीवन में तूफान आ सकता है। पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। खासकर पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है, तो जरूरी हो तो अदरक खाकर ही यात्रा करें। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर चलें। लड़की को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे की वस्तु क्रय करके नहीं लानी चाहिए, वरना बिना बात की बाधा उत्पन्न होगी और अचानक कष्ट झेलना पड़ेगा। इस दिन बाल काटना या नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन नमक, तेल, चमड़ा, काला तेल, काले जूते, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है। कलम, कागज और झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए। शनिवार को दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। पीना ही हो तो इसमें हल्दी या गुड़ मिला ले। इस दिन बैंगन, आम का अचार और लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन झूठे बोलने से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे ये कार्य तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी गरीब, मेहतर, अंधे, अपंग और किसी मजबूर महिला का किसी भी तरह से अपमान नहीं करें। वैसे ये कार्य तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। जय शनिदेव।